हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। मेरा नाम है मंदीप और iOS 16 के साथ साथ एप्पल ने रिलीज़ किया था WatchOS 9 भी। और आज की वीडियो में बात करेंगे क्या कुछ नए फीचर्स इसमें हैं। हालांकि फीचर्स तो बहुत सारे रिलीज़ किए हैं एप्पल ने इस वाले अपडेट में, बट मैं जो है मेन फीचर्स के बारे में करूँगा बात। तो सबसे पहला जो मेन इसमें अपडेट आया वो आया है न्यू वॉच फेसेस। तो एक बार मैं अगर आपको दिखाऊँ तो एप्पल ने जो है इस बार काफ़ी सारे नए वॉच फेसेस किए इंट्रोड्यूस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हैं कुछ वॉच फेसेस। और सबसे पहला जो वॉच फेस इसमें किया गया इंट्रोड्यूस वो है एस्ट्रोनॉमी, जिसमें कि ये आपको करंट क्लाउड की कवरेज दिखाता है स्टार मैप। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है लूनर, और इसमें जो है ये आपको चाइनीज़ हिब्रू इस्लामिक लूनर कैलेंडर दिखाता है, और मून फेजेस जो है वो भी इसमें साथ के साथ ही शो करता है। इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट है वो है मेट्रोपॉलिटन। तो इसमें जो है जैसे कि आप डिजिटल ग्राम को चेंज करेंगे तो ये जो है नंबर्स की एनिमेशन होती है चेंज, अभी मैं आपको सब कुछ करके दिखाऊंगा। उसी के साथ साथ ये है मॉड्यूलर, और इसी के साथ साथ इसमें मिलता है प्ले टाइम। तो ये जो है थोड़ा एनिमेटेड से नंबर्स आते हैं जिनको आप टच करते हैं तो इसमें जो है कुछ एनिमेशन होती है चेंज। और उसी के साथ साथ इसमें आपको जो है पोर्ट्रेट का भी मिलता है नया सपोर्ट। तो अब जो पोर्ट्रेट के अगर आप वॉलपेपर वॉच फेसेस लगाते हैं तो उसमें जो है वो एनिमल्स, लैंडस्केप, डॉग्स, कैट्स, मतलब इनको भी करता है सपोर्ट। तो ये भी जो है आप इसमें कर सकते हैं सेट। और उसी के साथ साथ जो है कुछ नाइकी वॉच फेसेस जो है वो भी इस वाले अपडेट में किए गए इंट्रोड्यूस आपकी एप्पल वॉच के लिए। तो अगर आप नाइकी वॉच फेसेस लगाना चाहते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन होती है स्पोर्ट्स को लेकर, तो आप उसको भी कर सकते हैं सेट। तो मेरे को पर्सनली जो है ये वाला वॉच फेस जो है सबसे ज़्यादा पसंद आया एस्ट्रोनॉमी। और इसको जितनी बार आप अगर डिस्प्ले को ऑफ करेंगे तो ये जो है हर बार नए तरीके से होता है एनिमेट। जैसे कि एक बार अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बार बार एनिमेशन इसका चेंज होता था, ये मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा है। और ये हो गया इसका प्लेफुल वाला, प्ले टाइम वाला जो है वॉच फेस। तो इसको देखिए अगर आप नंबर्स को टच करते हैं तो ये इस तरीके से होते हैं एनिमेट। और उसी के साथ साथ ये है मेट्रोपॉलिटन। तो इसमें जो है जब मैं डिजिटल ग्राउंड को टर्न करूँगा तो नंबर्स की जो है एनिमेशन जो है वो होती है चेंज। और ये हो गया लूनर, तो इसमें यहाँ पे आपको मिलती है कॉम्प्लिकेशंस और साथ ही साथ जो है ये आपको पूरी दिखाता है डिटेल। जैसे कि देखिए मैं इसको टर्न करूँगा तो ये इसकी सारा का सारा फेस जो है दिखाएगा। अभी ये चाइनीज़ में दिखा रहा है तो इसको जो है आप चेंज भी कर सकते हैं। और उसके अलावा कि ये है मॉड्यूलर, तो इसमें भी जो है आप काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो ये हैं गाइस कुछ वॉच फेसेस, और मेरे को पर्सनली जो है सबसे ज़्यादा अच्छा, जैसे कि मैंने बताया था, मुझे जो है ये एस्ट्रोनॉमी वाला लगा है क्योंकि इसमें जो एनिमेशन है वो हर बार डिफरेंट आती है, तो वो पर्सनली मेरे को काफ़ी ज़्यादा लगी है अच्छी। इसी के साथ साथ एक और जो नया फीचर इसमें आया है वो आया है कंपस की ऐप में। तो कंपस की ऐप जो है अब कम्प्लीटली रीडिज़ाइन हो चुकी है, तो अलग तरीके से जो है आती है कंपस की ऐप। पहले डिफरेंट आता था इसका लेआउट, बट अब एकदम अलग है। तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगा है इस वाले अपडेट में। और कंपस में ही एक बहुत ही अच्छा फीचर ऐड किया गया है WatchOS 9 में, वो है बैक ट्रैक रिकॉर्ड। तो अगर सपोज़ आप कभी ट्रैकिंग पर जाते हैं और आपको लगता है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, तो ये जो है GPS की मदद से जो है आपके ट्रैक का रखेगा रिकॉर्ड। तो जैसे कि इसमें लिखा भी है एप्पल वॉच कैन रिकॉर्ड योर रूट इन केस यू गेट लॉस्ट। तो ये भी मेरे को पर्सनली बहुत ही ज़्यादा यूजफुल फीचर लगा है, बहुत ही ज़्यादा काम का हो सकता है फीचर काफ़ी लोगों के। बाकी कंपास में आपको एक और ऑप्शन मिलता है वे पॉइंट्स का। तो अगर आप चाहें तो अपने एप्पल वॉच में जो है अपनी पोजीशन को जो है आप मार्क कर सकते हैं या फिर योर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो प्रिसाइज लोकेशन जो है इसमें हो सकती है सेट, और इसकी मदद से जो है आप कभी भी वापस अपनी लोकेशन को कर सकते हैं ट्रैक। अगर आपको वापस उसी पॉइंट पर रीच करना है तो उसके लिए जो है आप अपनी प्रिसाइज लोकेशन को जो है वे पॉइंट्स की मदद से कर सकते हैं सेट। इसी के साथ साथ जो एक और नया चेंज आया वो है पावर बटन में। तो पहले जो है नॉर्मली पावर के लिए यहीं पर आ जाता था ऑप्शन स्विच ऑफ करने का, बट अब जो है आपको टॉप राइट में जो है मिलता है पावर स्विच। तो आप इसको टच करेंगे तो फिर ऑप्शन आएगा पावर ऑफ करने का। तो ये भी एक न्यू चेंज है इस वाले नए इंटरफेस में विद द WatchOS 9। इसके अलावा एक और नया फीचर जो WatchOS में किया गया ऐड वो किया गया है बैटरी में। तो बैटरी में जो है अब आपको मिलता है ऑप्शन लो पावर मोड का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑप्शन है लो पावर मोड का। एनेबलिंग द लो पावर मोड विल लिमिट द सेंसर्स एज वेल एज द डेटा एंड वाईफाई कनेक्शन ऑफ योर एप्पल वॉच। तो अभी तक जो है ये वाला ऑप्शन जो है सिर्फ आईफोन्स और आईपैड में मिलता था, मतलब अदर एप्पल डिवाइसेस में, बट इसमें नहीं था। और इसमें जब आप इसको ऑन करेंगे तो ये जो है आपकी बैकग्राउंड हर्ट रेट मेजरमेंट और हर्ट रेट नोटिफिकेशन को भी कर देगा डिसेबल। तो काफ़ी अच्छा फीचर है, जैसे कि आईफोन में भी अगर कभी बैटरी ड्रेन हो रही है और उसको हमें रिजर्व करना है तो उसके लिए जो है आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इसके अलावा इसमें ऑलरेडी एक पावर रिजर्व मोड जो है वो तो आपको मिलता ही है, जो कि कम्प्लीटली जो है सारे के सारे फंक्शंस इसके कर देता है ऑफ और सिर्फ आपको दिखाता है टाइम। बट स्टिल लो पावर मोड का एडिशन जो है एप्पल वॉच में वो भी एक बहुत ही अच्छा फीचर है इस वाले अपडेट। अब एक और जो एडिशन इस वाले अपडेट में आया है वो है इंटरनेशनल रोमिंग से रिलेटेड। तो एप्पल वॉच SE और एप्पल वॉच सीरीज 5 और उससे बाद की जितनी वॉचेज है सब करेंगे इसको सपोर्ट। तो अब जो है आपकी एप्पल वॉच में इंटरनेशनल रोमिंग जो है वो भी सपोर्टेड है। तो आपके मोबाइल नेटवर्क पे अगर आपके पास इंटरनेशनल रोमिंग की फैसिलिटी है तो वो आपके एप्पल वॉच में भी करेगी काम। तो WatchOS 9 में जो है आप इंटरनेशनल रोमिंग में भी जो है अपने एप्पल वॉच सेलुलर को कर सकते हैं यूज़।
बाकी अब इसमें जो है कुछ एक्सेसिबिलिटी में भी नए फीचर्स किए गए हैं ऐड। तो एक्सेसिबिलिटी में जो है एक्सपेंडेड क्विक एक्शंस जो है उनको किया गया ऐड असिस्टिव टच में। तो उसकी मदद से जो है आप अगर आपके एप्पल वॉच पे कोई म्यूजिक प्ले कर रहा था आप उसको प्ले पॉज कर सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं, अपने वर्कआउट को जो है आप पॉज और रिज्यूम कर सकते हैं। उसी के साथ साथ असिस्टिव टच यानी कि हैंड जेस्टर्स की मदद से जो है आप अपने कैमरा रिमोट की मदद से फोटो भी क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप एप्पल मैप्स यूज़ करते हैं तो उसमें जो है आप टॉगल भी कर सकते हैं टर्न बाय टर्न डायरेक्शन के लिए। इसी के साथ साथ एक और जो फीचर इसमें ऐड किया गया है वो है ब्लूटूथ कीबोर्ड पेयरिंग विद योर एप्पल वॉच। तो अगर आप अपनी एप्पल वॉच पर कुछ टाइप करते हैं और अगर आपको लगता है कि आपको जो है नॉर्मल टाइपिंग प्रॉब्लम इसमें हो रही है, जो कि ऑब्वियसली ऐसी में तो होती है, तो अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को ब्लूटूथ कीबोर्ड से इस पर टाइप करना है तो उसका सपोर्ट भी जो है इसमें कर दिया गया है ऐड। अब एक और फीचर जो मेरे को पर्सनली लगा था कि काफ़ी यूजफुल है बट वो मेरी वॉच में नहीं कर रहा था सपोर्ट, तो वो है एप्पल वॉच मिररिंग। तो वॉच OS 9 और iOS 16 पे अगर आप रन कर रहे हैं अपने डिवाइसेस को तो आपको जो है एप्पल वॉच मिररिंग का भी मिलता है ऑप्शन। तो उसकी मदद से जो है आप अपनी एप्पल वॉच को मिरर कर सकते हैं अपने आईफोन में और वहीं से जो है आप स्क्रॉल कर सकते हैं सारे मेन्यू को। बट उसमें जो है एप्पल ने मेंशन नहीं किया था कौन सी वॉचेस को ये करता है सपोर्ट, लेकिन वो वाला जो फीचर है वो एप्पल वॉच सीरीज 6 और लेटर को ही करता है सपोर्ट। तो एप्पल वॉच ऐसी यानी कि मेरे वाली ये जो फर्स्ट जनरेशन ऐसी है इसमें जो है एप्पल वॉच मिररिंग का नहीं मिलता है मुझे सपोर्ट, बट ये भी एक काफ़ी अच्छा एडिशन है वॉच OS 9 और iOS 16 में, जो अगर आपके पास एप्पल वॉच सीरीज 6 एंड अबव है तो उसमें आप इसको कर सकते हैं यूज़। बाकी वर्कआउट ऐप में भी जो है काफ़ी कुछ की गई हैं इसमें इम्प्रूवमेंट्स। तो अब जो है आपको वर्कआउट ऐप में जो है ऑप्शन मिलता है कस्टमाइज़ करने का और स्क्रॉल करने का मल्टीपल वर्कआउट्स में, इंक्लूडिंग स्प्लिट सेगमेंट्स एंड एक्टिविटी रिंग्स। इसी के साथ साथ जो है ये कंटिन्यूसली जो है आपकी एलिवेशन को भी करता है रिकॉर्ड और दिखाता है कि आपने कितना एलिवेशन किया है, गेन और करंट एलिवेशन क्या है, जब आप अगर साइकिलिंग कर रहे हैं आउटडोर रन कर रहे हैं तो वो भी जो है ये करता है रिकॉर्ड। उसी के साथ अब एक और नया फीचर जो इस वाले वॉच OS 9 में किया गया है ऐड वो है मेडिकेशन का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऐप्स में ये आ गया नया ऑप्शन मेडिकेशन का। तो अपने आईफोन में जो है हेल्थ ऐप में जो है आप सेटअप कर सकते हैं अपनी मेडिकेशन लॉगिंग, यानी कि कितनी दवाई आपको लेनी है, किस समय पर आपको लेनी है, वो सारा का सारा जो है आप इसमें कर सकते हैं सेटअप। रिमाइंडर लगा सकते हैं किस टाइम आपको लेनी है दवाई, तो उसमें जो है आपको प्रॉपर शेड्यूल दिखा देगा। तो ये पर्सनली जो है काफ़ी यूज़फुल मेरे को लगा फीचर। जो भी लोग अगर किसी को कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है और उनको दवाइयाँ टाइम नहीं लेनी होती और अगर याद नहीं रहता है, तो उसके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल फीचर इस बार ऐड किया गया है वॉच OS 9 में। इसके अलावा एक और नया जो एडिशन आया है वो है रिमाइंडर में। तो अगर आपने कोई भी रिमाइंडर सेट किया हुआ है तो अब जो है आप उसको एडिट कर सकते हैं और एडिट करके आप उसमें अपनी लोकेशन, टैग्स, डेडलाइंस कुछ भी जो है वो डाल सकते हैं। और इसी के साथ साथ एक और जो नया अपडेट है वो आया है नोटिफिकेशन सेटिंग्स में। तो नोटिफिकेशन जो है नॉर्मली जैसे आईफोन में पहले iOS 15 में पॉपअप करती थी, ऊपर से छोटा सा बैनर आता था, तो उसी तरीके से जो नोटिफिकेशन भी जो है वॉच OS 9 में होती है पॉपअप और काफ़ी क्लीन जो है वो लगता है। तो कोई भी नोटिफिकेशन आपको आएगी तो वो जो है यहाँ जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, देखिए ऊपर से ये नोटिफिकेशन आई है, तो इस तरीके से जो है आपको आएगी सारी की सारी नोटिफिकेशंस। तो इसी के साथ साथ जो नया अपडेट है वो है डॉक पे। तो आपके बैकग्राउंड में जितनी भी ऐप्स चल रही हैं, जो भी रनिंग ऐप्स हैं, वो आपको जो है टॉप में शो होंगी। तो ये भी एक नया अपडेट है वॉच OS 9 में। बाकी इसके अलावा जो है आपको इसमें जो है स्लीप ट्रैकिंग जो है वो भी मिलती है एडवांस। तो पावरफुल स्लीप ट्रैकिंग मिलती है इसमें विद स्लीप स्टेजेस। तो गाइज ये तो थे कुछ ऐसे फीचर्स जो मेरे को थोड़े यूजफुल भी लगे और इनको मैंने किया शेयर। इसके साथ साथ काफ़ी और यूजफुल फीचर्स आए हैं रिलेटेड टू एट्रियल फिब्रिलेशन। तो अगर किसी को एट्रियल फिब्रिलेशन की प्रॉब्लम है तो उसमें भी जो है काफ़ी सारे जो है इंप्रूवमेंट किए गए हैं। उसी के साथ साथ स्लीप ट्रैकिंग में भी स्लीप स्टेजेस एंड बेटर इनसाइट्स, तो काफ़ी सारे फीचर जो है इसमें किए गए ऐड। तो उनकी जो पूरी लिस्ट जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। बट ये कुछ मेन फीचर्स थे जो मुझे लगा कि मेरे को आपके साथ करने हैं शेयर। तो आई होप गाइस के वीडियो जो है आपको यूजफुल लगी होगी और अगर आपके पास भी एप्पल वॉच है तो आप डेफिनेटली वॉच OS 9 पर इसको कर सकते हैं अपडेट। अभी तक जो है परफेक्टली ये कर रहा है वर्क। और मेरी एप्पल वॉच ऐसी में जो इसका साइज़ आया था वो आया था 1.8 GB का। तो इसको अपडेट करने के लिए मिनिमम आपकी एप्पल वॉच में 50% बैटरी होनी चाहिए और कनेक्टेड होनी चाहिए चार्जर से। तो गाइज ये था वॉच OS 9 और अभी तक तो जो है मेरे को काफ़ी अच्छा ही लग रहा है, परफॉर्म काफ़ी डिसेंट कर रहा है। तो अगर आप चाहें तो आप अपडेट कर सकते हैं, काफ़ी सही कर रहा है ये परफॉर्म। तो आज की वीडियो में गाइज सिर्फ इतना ही। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप उसे कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपके सभी क्वेरीज के आंसर्स दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।